रोहिंग्या बर्मा देश से आए हैं, वो भारत के नहीं हैं। और आज जब म्यांमार की सरकार ने, बर्मा की सरकार ने भारत के विदेश मंत्रालय के साथ ये तय किया है कि वो अपने उन शरणार्थियों को जो घुसपैठ करके भारत में आए हैं उन्हें वो वापस लेने के लिए राजी हो गए, तो एनसी कांग्रेस और पीडीपी वालों को तकलीफ हो रही है। बहुत प्यार आ रहा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रोहिंग्या से। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को इतना ही प्यार है रोहिंग्यों से, या तो वो रोहिंग्या बर्मा चले जाएं या रोहिंग्यों को अपने घर बसा लें, दो ही तरीके हैं, गुपकार में अपने घर बुला लें उनको, जम्मू में भी, या फिर वो रोहिंग्या जो एक गांव है, एक वैली है बर्मा में, वहां चले जाएं। जब उस देश के रहने वाले लोग जिनका घर बर्मा में है वो अपने घर जा रहे हैं, उनकी घर वापसी हो रही है, वो खुशी खुशी जा रहे हैं, वहां की सरकार ने भारत सरकार से कहा है कि एक साथ सम्मान इज्जत के साथ उनको हमें दिया जाए और हम उनका पुनर्वास उनके इलाकों में करेंगे, उनकी सरकार उनको मांग रही है, और जो वहां के रहने वाले हैं वो खुश हैं, अपने गांव में जाएंगे, घरों में जाएंगे, अपने रिश्तेदारों के साथ जाएंगे। जब लेने वाले खुश, जाने वाले खुश, तो बीच में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।